The boys of war, please subscribe here. New videos. Namaskar friends. আজ একটা আপনাদেরকে চগানোওয়ালা ভিডিও এবং দারুণ একটা খবর আপনাদেরকে শোনাবো। আগামী 29 ডিসেম্বর থেকে নয়া নিয়ম আসতে চলেছিল দেশজুড়ে, সেক্ষেত্রে আশঙ্কা ছিল বন্ধ হয়ে যেতে পারে পছন্দের চ্যানেল। টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা ট্রাই জানিয়ে দিল নয়া নিয়মের ক্ষেত্রে তারা আপাতত 29 ডিসেম্বর সময়সীমা রাখছে না, ফলে 29 তারিখে আর কোনো বাধা থাকছে না। যেভাবে টিভি দেখতেন সেভাবেই দর্শকরা দেখতে পাবেন। বুধবার ট্রাই জানিয়েছে চ্যানেলগুলি এখন দেখতে অভ্যস্ত দর্শকরা, আগামী 29 ডিসেম্বর থেকে সেগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তা যাতে না হয় তার জন্য কেবল সংক্রান্ত সব পক্ষকে তারা জানিয়েছে কোনো চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করা চলবে না। পুরনো নিয়ম থেকে নয়া নিয়মে দর্শককে নিয়ে যেতে একটি নতুন প্ল্যান বা ছক তৈরি করছে ট্রাই। তা সব দর্শককে নতুন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বা চ্যানেল বাছাই সম্পর্কে সব রকমের সহায়তা দেবে। এখন দেখার বিষয় ট্রাই নয়া নিয়মে এই নয়া নিয়ম চালু করার ব্যাপারে ফের কবে কি ঘোষণা করে সব পক্ষ এখন সেদিকেই তাকিয়ে। দেখতে থাকুন ভিডিওটা। নমস্কার, সূর্য সিটিয়ার সঙ্গে, ধন্যবাদ। क्या हम लोग दूसरे रास्ते पे चलेंगे? एक होके चलेंगे। हमने मकसद एक ही है, ट्राई का जो रूल है उसको नहीं मानिए। आज 400 वाला ऑपरेटर खत्म हो रहा, कल 1000, परसों 5000, जिसका पॉइंट वो खत्म होगा उसके बाद 10000। सुरेश भाई को हम लोग हमेशा पाया है, हम लोग अपना साथ में। सुरेश भाई को दो रूप है, एक सिस्टम में बदले हुए हैं, एक बिना सिस्टम, जो हम लोग सब साथ में आए हैं। सुरेश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उनको बुलाए वो आए हैं, वो अपना दो बात रखेंगे। उसके बाद मेथीदा जो लेटर बना वो भी सुनाएंगे। सुरेश भाई आप दो बात रखिए, क्या होगा, कैसा क्या होगा, कैसे करना है, इन हम लोग का मकसद एक ही, इसका एंड हम लोग देखेंगे। लास्ट क्या होगा, रहते रहते होगा तो हर मोड़ पे धरना देंगे हम लोग, देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि रोजी रोटी का बात है। जब हम बचे हैं आज तो कल एमएसओ भी रहेगा। एमएसओ सिस्टम में बदला हुआ है, उनको क्या करना है। लेकिन 10 रुपए में ना एमएसओ का कुछ होगा, 100 में 80 वो ले जाएगा बहुत कास्टर। 10 रुपए में ना एमएसओ का कुछ होगा, ना हम ऑपरेटर का कुछ होगा। मेन लड़ाई इसी जगह है। सुरेश भाई आप दो बात देखिए अपना, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश भाई का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि वो 14 तल्ला एसी रूम से उतर का है हम लोग के पास। सुरेश भाई कितना साथ है हम लोग का, आप दो बात देखिए। एसी रूम से उतर के डीसी रूम में, जितनी देर मेरे को नॉलेज है ट्राई से जो डिस्कशन चल रहा है, होपफुली ये फेज मैनर में बंद होगा। 29 तारीख को जो सारा बंद होने का बातचीत चल रहा था वो शायद न होके फेज मैनर में होगा। तो अपने को 15-20 दिन का एक टाइम मिलेगा, जिस पीरियड में कंज्यूमर का एक एक फेस करके चैनल्स बंद होगा और वो एक एक फेस करके चूज कर सकता है। होपफुली अनाउंसमेंट आ जाना चाहिए, आज भी एक डिस्कशन सा तो हो जाना चाहिए, तो इन दैट केस एक टाइम मिलेगा। एज फार एज प्रॉफिटेबिलिटी शेयरिंग की बात है, जो ट्राई का आज अनाउंसमेंट है, जब तक कोई नया नया अनाउंसमेंट आता है मेरे लिए वही अनाउंसमेंट है, मेरे लिए कोई नया अनाउंसमेंट है नहीं। ट्राई के अपने कुछ बुके हैं, अनिल बता रहा था थोड़ी देर पहले कि कोई आके बोल रहा है कि मेरा बुक ही लीजिए, एक कंज्यूमर का डिसीशन है, वो लेगा तो लेगा, वो नहीं लेगा तो नहीं लेगा। एज फार एज ऑपरेटर इज कंसर्न, उसको क्या मार्केटिंग करनी है जिसमें 2 पैसा ज्यादा बचे। अगर मेरा उसको बेच के 2 पैसा बचेगा, 2 पैसा बचेगा तो मेरे को उसको बेच के फायदा है। अगर उसको बेच के मेरा 2 रुपया का नुकसान है तो मेरे को वो पैकेज नहीं बेचना चाहिए। ब्रॉडकास्टर का अपना बिजनेस है, वो एडवर्टाइजमेंट भी करेगा, न्यूज़पेपर में भी निकालेगा और हमारे ऑपरेटर को भी मिलेगा। तो इसके अंदर में डेफिनेटली बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करेगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हम क्या बेचें। हम भी अपना एक पैकेज बनाने की सोच रहे हैं, कुछ हद तक बनाया है, आज अनाउंस करेंगे, कल करेंगे, कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट आएगा तो जरूर करेंगे। अगर कंज्यूमर बोलता है कि मेरे को ब्रॉडकास्टर के बुके से ही काम चलेगा, क्यों, हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, हम बुके दे के भी वही पैसा मिलने वाला है और हम सिंगल दे के भी वही पैसा मिलने वाला है, इसलिए हम कुछ भी नहीं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। देर आए दुरुस्त आए, हिंदी में एक डायलॉग है,
हमारे केवल भाई सब समय देरी से ही जागते हैं। वो सवेरे का 10 बजे का मीटिंग में कोई आता नहीं है, आते आते 12 बजे आ जाता है। वही आदत उसके बिजनेस में है कि झगड़ा करना था 10 दिन पहले तो झगड़ा करेंगे 10 दिन बाद। आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है। ये झगड़ा आपको 2 महीने 3 महीने पहले करने की जरूरत थी, हम डिलेड हैं। अब कौन किसका चैनल दिखाएगा या नहीं दिखाएगा ये डिपेंड करेगा देश के कानून के ऊपर में कि देश का कानून क्या कर रहा है। एंड ट्राई, चूंकि लॉ अथॉरिटी है, कहीं पे चला नहीं चला उसको भी, उसके बावजूद भी अगर वो बोलता है यही कानून है तो हमारे लिए यही कानून है। बाकी आपके पास में लड़ाई करने का इंडिया में डेमोक्रेटिक राइट हर एक के पास है, वो आप कर सकते हैं, आपका हक है। प्लीज लाइक एंड शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।